एकता परिषद के बैनर तले 25 गांवों के सैकड़ों लोगों ने पोषण आहार राशि राशन वितरण गरीबों को वितरित किए। पट्टों में बरती गई लापरवाही और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आज खनिया थाना SDM और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। खनिया थाना में आज एकता परिषद के बैनर तले 25 गांवों के सैकड़ों लोगों ने पोषण आहार राशि राशन वितरण गरीबों को वितरित किए। एक पट्टों में बरती गई लापरवाही और उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आज खनिया थाना SDM और तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एकता परिषद के कार्यकर्ता अनिल उत्साही ने बताया कि 19 जुलाई को एकता परिषद ने धर्मपुरा गांव में जन चौपाल का आयोजन किया था। इस चौपाल में 25 गाँव के मुखिया शामिल हुए थे, जिसमें पोषण आहार राशि न मिलने सहित राशन वितरण और गरीबों को मिले हुए पट्टों के मुद्दे सामने आए थे, जिनमें जिम्मेदारों के द्वारा लापरवाही बरती गई थी। जन चौपाल में फैसला लिया गया था कि 27 जुलाई को अपने खर्चे पर 25 गांव के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए खनियादाना में एकत्रित होंगे। आज रैली निकालकर ग्रामीणों की बिंदुवार समस्याओं की लिखित शिकायत SDM से की ज्ञापन के माध्यम से की गई है और जल्द से जल्द समस्याओं को शिविर लगाकर निपटाने की मांग की है। ऐसे में अगर 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो एकता परिषद कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज एक यहाँ पर तहसील पे आदिवासी महिला और पुरुषों के साथ में ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन है? ज्ञापन में एक तो 19 तारीख को हम धर्मपुरा गांव में थे, हम एकता परिषद के साथी हैं, और जब गांव गांव घूम रहे थे तो देखा कि 3 महीने से बहनों को कुपोषण राशि का पैसा नहीं मिला है। जो 1000 रुपए की राशि बहनों को मिलती थी, 25 गांव की बहनें इसमें चल के आई हैं। दूसरा, वन मान्यता अधिनियम कानून के तहत जिन भाइयों को पट्टा मिला था, जितना दावा किया था उतना पट्टा नहीं दिया गया, कम जमीन का पट्टा दिया गया है, तो उनको लेकर के भी हम लोगों ने सूची तैयार की और श्रीमान SDM महोदय को दिया। तीसरा, जो वर्ष 2001-2002 में जिन जमीनों के पट्टे दिए गए थे आदिवासियों को, बड़ी संख्या में पट्टों को अमल नहीं किया गया है और उनको गुमराह किया जा रहा है। चौथा, जो PDS का राशन है उसमें निमित्ता है। पांचवा, जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन जो दी जाती थी उसमें भी कई प्रकार की धांधली है, और कई जगह जब अमल कराने के लिए आदिवासी जाता है अपना आवेदन लेकर के, तो कई तरह के पैसे की, आर्थिक संसाधन की मांग की जाती है। इसको लेकर के एकता परिषद ने हिंसात्मक तरीके से आज ज्ञापन दिया है। पूरे 25 गांव के मुखिया साथी इसमें आए हैं और निवेदन किया है कि शिविर लगा करके या तो इस समस्या का समाधान किया जाए, अगर 15 दिवस में शिविर लगा करके इन गांव के लोगों का गांव में जाकर के काम नहीं किया गया तो एकता परिषद कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसकी जवाबदेही पूरी तहसील कार्यालय SDM महोदय के कार्यालय की होगी। हमारा निवेदन है कि जो साथी आए, एक एक साथी ने अपना आवेदन दिया है, लिख करके दिया है, बताया है, और वन मान्यता अधिनियम कानून के तहत अगर 2005 से पूर्व जो भी आदिवासी काबिज है उसका भौतिक सत्यापन करके वास्तव में जितनी जमीन जोत रहा है उतना पट्टा दे देना चाहिए। जो दावे लंबित हैं वन मान्यता अधिनियम कानून के तहत, जो दावे लगे हैं या तो ऑनलाइन है या ग्राम सभा से पास है, उनका तत्काल उनको पट्टा दे दिया जाए, ये हम लोगों की मांग थी। हमने समय दिया है, SDM साहब ने कहा है कि हम लोग शिविर लगाकर इसका समाधान करेंगे, समाधान करेंगे तो स्वागत है, अगर समाधान नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर सीपरी कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे और आगे चल के सभी राष्ट्र के साथियों के साथ, प्रदेश के साथियों के साथ बैठ करके रणनीति बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जय जगत। तहसील पर आके आप लोगों ने ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन दिया? हम लोग एकता परिषद से, हमारा गांधीवादी जन संगठन है, गाँव गाँव में जन समस्याओं को लेकर ग्राम चौपालों का आयोजन करते हैं। 19 जुलाई को हमने आपके खनिया थाने के पास धर्मपुरा गांव में 25 गांव के मुखियाओं की ग्राम चौपाल का आयोजन किया था, जिसमें पोषण आहार राशि, कंट्रोल दुकान और वन भूमि के मुद्दे निकलकर सामने आए। तो हमारे अकेले के निर्णय से ये रैली का तय नहीं हुआ, हमारे आदिवासी शहरिया समाज के जो मुखिया आए थे, पंच सरपंच पटेल मेहते प्रधान, उन्होंने आज 27 तारीख तय की थी, अपने खर्चे से, अपने भोजन से सारे लोग यहाँ आए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, ना नोट और बुट की बात करते हैं, लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। एकता परिषद की पैरवी पर जो बन अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उस बन अधिकार अधिनियम का यहाँ खनिया थाना ब्लॉक में बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। एक एक डेढ़ डेढ़ बीघा का पट्टा दिया और आदिवासी हमारे मौके पर 10 बीघा जोते हैं, उसका वन विभाग वाले गलत फायदा उठाते हैं। एक डेढ़ बीघा छोड़कर शेष भूमि पर वो प्लांटेशन का जबरन लगाने का काम करते हैं। फिर जो 2003 में दलित एजेंडे के तहत राजस्व भूमि के पट्टे हुए थे, कई ग्रामों में उन पट्टों का आज तक पटवारी रिकॉर्ड में अमल नहीं है, जिससे ना तो वो मौके पर खेती जोत पा रहा है, ना उनका सीमांकन हो पा रहा है, ना प्रधानमंत्री जी की जो सम्मान निधि राशि मिलती है वो नहीं मिल पा रहा। तो सारे मुखियाओं की जो तय किया था कि 27 तारीख को अपन रैली के रूप में ज्ञापन देंगे, तो आज गाँव गाँव में शहरिया आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ज्ञापन पत्र में बिंदुवार लिखकर लिस्ट बनाकर SDM महोदय को दिए। SDM महोदय ने अभी आश्वासन दिया है कि हम 5-5, 6-6 पंचायत में कैंप लगाकर समस्या निराकरण की पहल करेंगे।
सर, जो आज एकता परिषद के साथियों ने 25 गांव के लोगों के साथ में आके आपको ज्ञापन दिया, क्या ज्ञापन है? ज्ञापन है जो सहरिया बाहुल्य गांव है वहां के जो भी बेसिक लेवल की शिकायतें हैं, जैसे किसी का पोषण आहार की राशि नहीं मिल रही या फिर दूसरी बेसिक समस्याएं, आवास की भी कुछ समस्याएं सुनने को मिली, तो इनका बहुत सारे एकता परिषद ने काफ़ी मेहनत करके वो लाया है और हमने तहसीलदार को सौंप दिया है। अभी हम उस पर पहले उसको वर्गीकृत करके हम इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन सी समस्याएं कितने टाइप की हैं, और इसके बाद हमने इनसे बोला है कि 5-6 कॉमन लोकेशन तैयार करें जहाँ पर हम शिविर लगा के एक साथ सारे अधिकारियों को समस्त जितने भी इशू जितने प्रकार के इशू हैं उनके संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को बुला के उसका निराकरण करने की कोशिश कर सकते हैं।